नमस्कार, स्वागत है आपका दीदी न्यूज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद में एक ही नाम के दो रेस्टोरेंट के बीच नाम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और यह केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट के मालिक ने केस किया है और आरोप लगाया है कि उनके रेस्टोरेंट के नाम पर फरीदाबाद में एक ढाबा चल रहा है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक ने नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल दिल्ली के कैलाश कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी और चितरंजन पार्क इलाके में सांझा चूल्हा नाम का एक रेस्टोरेंट है जिसके मालिक नंद किशोर है। उनका दावा है कि वो साल 1986 से 87 में इस रेस्टोरेंट को शुरू किया था और तब से इसे चला रहे हैं, लेकिन इसी नाम से फरीदाबाद में भी एक रेस्टोरेंट चल रहा है जिसकी वजह से ग्राहकों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार नंद किशोर के वकील विवेक तनखा ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित सांझा चूल्हा रेस्टोरेंट मुगलई और इंडियन खाने के लिए फेमस है, लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल कर फरीदाबाद का रेस्टोरेंट लोकप्रियता भुनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।